नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मऊगंज जिले की प्राथमिक शाला जहां 22 बच्चों का नाम दर्ज है लेकिन एक भी बच्चा स्कूल में नहीं मिला। पूछने पर बताया कि कोई मर गया है तो मुंडन कराने गए हैं। जब जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि कितने साल के बच्चे हैं तो मैडम बोली कि 4 साल 5 साल के। अब आप तो सभी जानते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के हैं कि 10 साल से नीचे वालों का मुंडन संस्कार नहीं होता। तो एक बाबा खत्म, कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? नहीं, ये तीन प्रकार के मतलब नहीं, कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? बच्चे हैं 22। 22 और बताइए, एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं? नहीं आए, उनके यहाँ परिवार में कोई खत्म हो गया। हाँ, तो बच्चे थोड़ी जाते हैं सब सरकारी देने। सही है, लेकिन वो क्या जानते हैं आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं। हाँ, उनको बहाना मिल गया, नहीं आए। हम गाय भी बुलाए तो कैसे बुला लाएंगे? आज वो है दसवां मौसम है, बाल बनेगा। फिर भी बच्चों का जो है और बच्चियों का जो है तो ना तो बाल बनता है। नहीं, बच्चे कम है, बच्चे कम है, बच्चे ज्यादा है। तो कितने उम्र के हैं? छोटे पांचवी तक विद्यालय है। तो पांचवी छठवी वाले बच्चों का मुंडन थोड़ी होता है? हमको नहीं मालूम, हम फिर मुस्लिम धर्म के हैं तो बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता मैडम। अब वो है दसवाइया तो वो बताएंगे कि छोटे बच्चों को बनता है कि नहीं बनता। नहीं, हमें खुद मालूम है ना, हम इसलिए फिर गए भी नहीं। हाँ, तो बताइए, ये इस तरह से आप एक जवाबदार शिक्षिका हैं और आप बहाना भी ऐसा बता रही हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। क्या गले से उतर, हम सही नहीं बोल रहे हैं? उनके यहाँ कोई खत्म हो गया बाबा? हाँ, तो माने पूरे दसम है, पूरे, हाँ, तो पूरे बच्चे जो है एक साथ नहीं आएंगे। जिसका बाबा मरा होगा वो नहीं आएगा, मान लीजिए 2-4 नहीं आएंगे, वही के हैं पूरे बच्चे। तो इसका मतलब ये बताइए कि 22 के 22 बच्चे जो है, कुछ इधर के 4-5 बच्चे उनकी आँख आई है, आई तो वो लोग भी नहीं आए। एक दिन आए थे तो हम खुद ही भेज दिए, बोले कि जाइए, जब ठीक हो जाएगी तो आइएगा। यहाँ 4-5 बच्चे यहाँ के सामने के, और उधर कोई खत्म हो गया उनके बाबा वो लोग, तो वो लोग नहीं आए आज। 22 बच्चे हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जब नहीं आए उनके घर में खत्म हो गए तो क्या किया। समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। विद्यालय का नाम बताइए। शासकीय प्राथमिक पाठशाला बने, शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरिया कला क्रमांक 2। ये शासकीय पाठशाला बरिया कला क्रमांक 2 है। आपका शुभ नाम? रहीसा बेगम। आदरणीय मैडम जी का नाम रहीसा बेगम है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक भी बच्चे नहीं हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपको। मऊगंज से संवाददाता अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।